अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोड मार्किंग। तो आज मैं आपको थोड़ा बताऊंगा कि रोड मार्किंग किंग में जो पेंट है वो हम कैसे करते हैं, और जो बाकी जो रिफ्लेक्टिव और नॉन रिफ्लेक्टिव रोड में जो कैटाइज और सिरेमिक लगाया जाता है तो वो कौन से होते हैं और उसका क्या पैटर्न होता है। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो दोस्तों। ये जैसे आप देख रहे हो, ये थर्मो प्लास्टिक येलो पेंट है। तो जो अपना पेंट है वो दो कलर में होता है, एक में वाइट होता है, एक में येलो होता है। तो ये येलो है और जो इसकी विड्थ है वो तकरीबन 20 सेंटी है, और जो थिकनेस है वो 6 to 8 mm है। और ये आप देख रहे हो, ये हमारी रोड मार्किंग चल रही है। तो ये तो हो गया येलो पेंट। और अभी मैं आपको बताता हूँ कि पेंट के अलावा हमारे पास दो प्रकार के रिफ्लेक्टिव और नॉन रिफ्लेक्टिव एलिमेंट और होते हैं। तो जो ये देख रहे हो आप, इसको बोलते हैं सेरामिक। तो ये जो सेरामिक है ये नॉन रिफ्लेक्टिव में आते हैं। नॉन रिफ्लेक्टिव का मतलब ये होता है कि अगर इनके ऊपर लाइट पड़ेगी तो इसमें कोई भी शाइनिंग नहीं आएगी। तो ये जो हैं वो सेरामिक हैं, आप देख सकते हो ये वाइट कलर के होते हैं, इनको बोलते हैं अपने नॉन रिफ्लेक्टिव। ये जो आप देख रहे हो येलो कलर का, इसमें ये आप देख रहे हो ये रिफ्लेक्टिव है। ये रिफ्लेक्टिव वन साइड है क्योंकि इसकी दूसरी साइड में कोई भी रिफ्लेक्टिव नहीं है, ये रिफ्लेक्टिव वन साइड है। ये येलो है तो इसके ऊपर कोई भी लाइट पड़ेगी तो ये शाइनिंग शो करेगा, तो इसलिए इनको अपने रिफ्लेक्टिव बोलते हैं। जो रिफ्लेक्टिव मार्कर होते हैं ये वाले, वो एक तो रिफ्लेक्टिव येलो होता है, एक रिफ्लेक्टिव क्लियर यानी वाइट वाला होता है, एक जो रिफ्लेक्टिव रेड एंड क्लियर यानी रेड एंड वाइट होता है। ये रिफ्लेक्टिव दो तरीके के होते हैं। इनमें एक तो वन साइड रिफ्लेक्टिव होता है, एक टू साइड होता है, यानी एक तो वन साइड से रिफ्लेक्शन करता है और दूसरा टू साइड से रिफ्लेक्शन करता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ डिटेल में, ये तो मैंने आपको बताया है डिटेल में। ये है कि जो ये येलो थर्मोप्लास्टिक पेंट है, इस पेंट में एक तो येलो थर्मोप्लास्टिक पेंट होता है, एक अपने इसमें यूज़ करते हैं ग्लास बीड्स। ग्लास बीड्स मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये ग्लास बीड्स है, यानी ये ग्लास बीड्स यानी ये मान लो कि एक पाउडर है जो ग्लास यानी कांच का बना होता है, और ये यूज़ करते हैं शाइनिंग के लिए, इसमें चमक ज़्यादा आती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो आप देख रहे हो ये चमक आ रही है, ये इस ग्लास बीड्स की वजह से आ रही है। ये आप देख रहे हो, ये दोस्तों जो आप देख रहे हो ये येलो पेंट के साथ साथ इसके ऊपर इसकी टॉप लेयर पे ग्लास बीड्स डाला जाता है जो चमक यानी शाइनिंग का काम करता है। तो अब ये बताता हूँ कि आपको जो ये थर्मोप्लास्टिक येलो पेंट है इसकी क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। तो इसकी क्वांटिटी मैं आपको बता दूं कि जो अपना एक बैग है 20 kg का, वो 20 kg का बैग अगर अपने अप्लाई करते हैं तो 5.5 यानी 5.5 square meter एरिया कवर करता है। तो यानी एक येलो थर्मोप्लास्टिक येलो पेंट का बैग, एक बैग 5.5 5.5 square meter एरिया कवर करता है। और जो ग्लास बीड्स है, वो ग्लास बीड्स एक बैग वो तकरीबन 25 यानी 25 square meter कवर करता है, क्योंकि वो बिल्कुल ही नाम मात्र मामूली सा टॉप लेयर पर डाला जाता है। ये आप देख रहे हो येलो पेंट, येलो पेंट ये येलो थर्मोप्लास्टिक पेंट है। येलो पेंट के बाद में इसके टॉप सरफेस पर ग्लास बीड्स डाला जाता है जो शाइनिंग या चमक के काम आता है। तो अगर दोस्तों आपको येलो पेंट का क्वांटिटी निकालना है कि एक बैग में अपना कितना स्क्वायर मीटर कवर कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि एक बैग में आप तकरीबन 5.5 यानी 5.5 square meter एरिया कवर कर सकते हो, जिसकी थिकनेस तकरीबन 6 to 8 mm होगी। और एक बैग ग्लास बीड्स से आप 25 square meter एरिया कवर कर सकते हो। ग्लास बीड्स सिर्फ टॉप लेयर पर डाला जाता है,
जो शाइनिंग का काम करता है और उससे सिर्फ चमक आती है। तो इस तरीके से आप को ये पता चल गया होगा कि पेंट की क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। ये जो पेंट है अपना वाइट और येलो दो कलर में होता है, और ये रिफ्लेक्टिव जो आप देख रहे हैं मार्कर, ये रिफ्लेक्टिव मार्कर आपको तीन तरीके से मिल सकते हैं। एक तो वन साइड येलो, वन साइड वाइट यानी क्लियर बोलते हैं, और एक टू साइड हो सकते हैं यानी रेड एंड वाइट, यानी रेड एंड क्लियर, वाइट वाले को क्लियर बोलते हैं। और ये रिफ्लेक्टर हैं जो रिफ्लेक्टिव मार्कर में आते हैं, और नॉन रिफ्लेक्टिव मार्कर में जो ये सेरामिक है ये नॉन रिफ्लेक्टिव मार्कर में आता है। तो आप देख सकते हो इस तरीके से दोस्तों, इस तरीके से अगर आपको पता नहीं है तो आप ये चेक कर सकते हो और कलर की क्वांटिटी भी निकाल सकते हो। ये आप देख सकते हो ये रिफ्लेक्टिव वाइट है यानी वन साइडेड यानी रिफ्लेक्टिव क्लियर, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस तरीके से दोस्तों आप पता कर सकते हो रिफ्लेक्टिव मार्कर और पेंट का। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में।